हे एवरीवन, आज हम देखेंगे बोरेक्स को एलन्स की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोरेक्स एक मिनरल किंगडम की रेमेडी है और बोरेक्स वेनेटस का नाम है पूरा। मेंटल जनरल्स देखते हैं, ड्रेड अप डाउनवर्ड मोशन इन नियरली ऑल कॉम्प्लेक्स। इसका की नोट है कि डाउनवर्ड मोशन, नीचे जाने से इसको क्या होगा, एग्रावेशन होगा पेशेंट को। ग्रेट एंजाइटी होती है फ्रॉम डाउनवर्ड मोशन से, नीचे जाने से उसको एंजाइटी होती है, चिंता होती है। वेन लाइंग द चाइल्ड डाउन ऑन अ कैच और इन द क्रैब, ठीक है, जब भी हम बच्चे को नीचे कैच क्रैब में सुलाएंगे तो उसको भी उससे भी प्रॉब्लम होगी। क्राइज वो रोएगा, क्लिंग्स द नर्स, एंड वेन द रॉकिंग डांसिंग स्विमिंग गोइंग डाउन स्टेयर और रैपिडली डाउन हील हॉर्स बैक राइडिंग, ठीक है, कुछ भी हो, अगर थोड़ा सा डाउनवर्ड मोशन हुआ तो पेशेंट को कंप्लेंट्स होगी, ठीक है। वो कोई सी भी हो सकती है, या तो तुम डांसिंग में नीचे जाओ, या तो तुम झूलों में नीचे जाओ, या तुम नीचे सीढ़ियाँ उतरो, या फिर तुम रैपिडली डाउन हिल में जाओ, कुछ भी हो। हॉर्स बैक राइडिंग में भी तुमको प्रॉब्लम होगी, जिनको बोरेक्स है डाउनवर्ड मोशन से प्रॉब्लम, ठीक है। सैनिकुला में भी हमको डाउनवर्ड मोशन से एग्रावेशन है। तो ये तो थी बोरेक्स का बहुत ही की नोट सिम्टम देखा हमने। एक्सेसिवली नर्वस, पेशेंट बहुत ज़्यादा नर्वस रहेगा। इजीली फ्राइटेंड बाय द स्लाइटेस्ट नॉइज और अनयूजुअल शार्प साउंड, और इट कफ स्नीजिंग क्राइंग लाइकिंग लाइटनिंग अ मैच और एक्सेट्रा। अगर थोड़ा सा भी तुमने थोड़ा सा भी सिम्टम दिया तो पेशेंट इतना ज़्यादा नर्वस है, जैसे कि तुमने थोड़ा सा फ्राइट चिल्लाया, या थोड़ा सा भी नॉइज़ किया, थोड़ा सा तुमने थोड़ा सा कुछ साउंड किया, या तुमने छींक दिया, या फिर तुमने लाइटनिंग थोड़े माचिस की तिली भी जलाई, उससे भी पेशेंट सेंसिटिव है, ठीक है, बोरेक्स का। देन SRM यूरोपियम कैलेडियम, ये तीनों मेडिसिन हमने देखते हैं सेंसिटिवनेस में, नर्वस सेंसिटिवनेस में हमको देखने को मिलती है। तो चिल्ड्रन है अवेक, सडनली ड्रीमिंग एंड ग्रैपिंग साइड ऑफ द क्रैडल विदाउट अपीरियन कंज। बच्चा उठेगा नींद से, नींद में सपना देख रहा है और साइड ऑफ क्रैब को ऐसे क्रैडल करेगा, ठीक है, कोई कॉज नहीं है, कुछ है नहीं वहाँ पर, लेकिन ऐसा हटाएगा उसको। तो एपिसीना और स्ट्रामोनियम भी रेमेडीज है इसकी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हेड सिम्टम। हेड हेयर बिकम फ्रॉजी टैंगल, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, फ्रॉजी हो जाएंगे, टैंगल्स चिपक जाएंगे, बाल स्प्लीट टूट जाएंगे, स्टिक टुगेदर एट द टिप्स पे, टिप्स पे स्टिक होंगे। इफ़ दिस बंचेस आर कट ऑफ, हमने अगर ये जो स्टिक ऐसे सब बाल चिपक गए इनको कट कर दिया तो ये फिर से बन जाएंगे, जो अच्छे बाल है वो भी ऐसे हो जाएंगे। दे कांट बी कॉम्ब्ड स्मूथ, अपन कंघी नहीं कर पाएंगे इनके बालों में। तो फ्लोरिक एसिड, लाइकोपोडियम, सोराइनम, ट्यूबरकुलम भी बहुत अच्छी रेमेडीज है ऐसे बालों के लिए। आई सिम्टम, आई लेशेज लोडेड विद ड्राई गमी एग्लूटेड एग्लूटिनेट इन द मॉर्निंग, याद रखना मॉर्निंग में आई एग्लूटिनेट हो चाहिए और जो भी गम है रिसिप्लेस है आई लेशेज में होता है। टर्न इनवर्ड इनफ्लैम द आइस, ठीक है, आइस इनवर्ड चले जाएगी, अंदर चले जाएगी, स्पेशली द आउटर कैंथाई और टेंडेंसी टू वाइल्ड हेयर्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है आई सिम्टम बोरेक्स का। नेक्स्ट देखते हैं नोज सिम्टम। नोज में, नोस्ट्रिल्स में क्रस्ट रहेगा, इनफ्लेम रहेंगे, टीप एम नोज शाइनी रेड रहेगी, की नोट रेड नोज ऑफ द यंग वुमेन। स्टॉपेज ऑफ राइट नोस्ट्रिल बंद हो गया है, फ्रॉम द राइट देन लेफ्ट विथ कॉन्स्टेंट ब्लोइंग द नोज, लेफ्ट राइट ऐसा चलता रहेगा और बार बार नोज को ब्लो करना पड़ेगा। अमोनियम का ब्लैक कैनाइनम मैकफोस भी रेमेडीज है नोज ब्लॉकेज के लिए। माउथ में देखते हैं एप्थे होंगे, अल्सर्स, बहुत ही अच्छी रेमेडी है थेरापूटिकली अल्सर्स के लिए। इन माउथ में अल्सर्स होंगे, टंग में हो गए, इनसाइड द चीक स्पेशली द ब्लीडिंग अल्सर्स होंगे। इन ईटिंग और टचिंग प्रिवेंट चाइल्ड फ्रॉम नर्सिंग विद हॉट माउथ, क्योंकि माउथ इतना ज़्यादा गर्म है इसलिए बच्चा क्या करेगा, नर्सिंग को भी प्रिवेंट करेगा। ड्राइनेस और थर्स्ट है, क्रैक ब्लीडिंग टंग, टंग कैसी है इसकी, क्रैक्ड है, ब्लीडिंग टंग है। सलाइवेशन है स्पेशली ड्यूरिंग द डेंटिशन, डेंटिशन के टाइम में सलाइवेशन। अल्सर्स कैसे होंगे, एप्थे है ब्लीडिंग के साथ साथ, और ईटिंग या टच से प्रॉब्लम हो रही है, और हॉट माउथ है बेबी का, ठीक है। नेक्स्ट है एप्थस सोर माउथ, ठीक है, मुंह में क्या हो गए, छाले हो गए जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, सोर है। इज अ वोर फॉर्म टच, जो कि वर्स होंगे टच से। ईटिंग सॉल्टी सोर फूड ऑफ ओल्ड पीपल ऑफन फॉर्म अ प्लीस्ड प्लेट ऑफ टीथ, ठीक है, जो मुंह में जो छाले हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा टच से बहुत ज़्यादा पेनफुल है, खाने से, स्पेशली खाने में क्या सॉल्टी थिंग्स, ठीक है, सॉल्टी या खट्टी चीज़ें खाई उससे क्या होगी, एग्रावेटेड होगी। ओल्ड पीपल्स को है कैसे, प्लेट ऑफ टीथ, जो ओल्ड पीपल के जो दांत नहीं होते तो जो दांतों की जो प्लेट ऑफ टीथ होती है वहाँ पे उनको अल्सर्स हो जाते हैं।
यूरिनरी सिस्टम, चाइल्ड हैज़ अ फ्रिक्वेंट यूरिनेशन एंड स्क्रीम बिफोर यूरिन पासिस। ठीक है, बिफोर यूरिनेशन में स्क्रीम हमको सैनिकुला सारसा लाइको में भी देखने को मिलता है, और चाइल्ड को फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, ठीक है, बोरेक्स में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखते हैं हम लोग ल्यूकोरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ल्यूकोरिया बोरेक्स का। प्रोफ्यूज एल्ब्यूनस स्टार्ची विद सेंसेशन एज ए वार्म वाटर वर फ्लोइंग डाउन, गर्म पानी फ्लो हो रहा है फॉर द 2 वीक बिटवीन द कैटामिनिया, कैटामिनिया मतलब मेंसेस, ठीक है, मेंसेस के फॉर द 2 वीक्स बिटवीन, मेंसेस के 2 वीक बीच में क्या होगा उसको ल्यूकोरिया होगा। कंपेयर कर सकते हैं हम इसको बोवेस्टाइन कोनियम से। स्किन सिस्टम में, स्किन सिम्टम में स्किन अनहेल्दी है, स्लाइटेस्ट इंजरी उसकी सफोरेट होती है, तो यही सिम्टम हमको कैलेंडुला, हेपार, मर्क और साइलिशिया में भी देखने को मिलता है, और ग्रेफाइटिस में भी देखने को मिलता है। मॉडलिटीज देख लेते हैं। एग्रावेशन होगा डाउनवर्ड मोशन से, हमें पता है, फ्रॉम द सडन स्लाइट नॉइज से, स्मोकिंग विच मे बी ब्रिंग ऑन डायरिया और डैम्प कोल्ड वेदर बिफोर यूरिनेशन। एम्यूलेशन है इसको प्रेशर से, होल्डिंग पेनफुल साइड विद द हैंड, ये मार्क सिम्टम है। और बोरेक्स फॉलो करता है कैल्केरिया, सोराइनम, सैनुकुला और सल्फर को, और ये फॉलोड बाय ब्रायनिया, आर्सेनिक, है ना, ब्रायनिया, आर्सेनिक, लाइको और फॉस्फोरोसाइलिशिया, और इनकम्पेटिबल है, शुड नॉट बी यूज बिफोर एंड आफ्टर द एसिटिक एसिड। ठीक, एसिटिक एसिड के पहले और बाद में हमें यूज़ नहीं करना है बोरेक्स को। तो ये तो था पूरा लेक्चर बोरेक्स पे। आई होप दिस लेक्चर विल हेल्पफुल फॉर यू स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।